बंगाल की जनता ने इस बार टीएमसी को साफ करने का पक्का मन बना लिया है। इसके रुझान आने शुरू भी हो गए हैं और इसी के साथ टीएमसी की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। जिन्हें पहले कभी किसी ने पूछा नहीं, मोदी आज उनको पूजा करता है। वो सदियों से वंचित रहे हैं, मोदी उन्हें वरीयता देता है। आज गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मोदी ने सभी को अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पक्का घर सभी को मिला है, कोई भेदभाव नहीं किया। टॉयलेट और गैस कनेक्शन सभी को मिला, मोदी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आप मुझे बताइए, मोदी जो मुफ्त चावल देता है, क्या कभी कोई भेदभाव किया है क्या? मोदी ने आपका बैंक में जो खाता खुलवाया, क्या उसमें कभी भेदभाव किया है क्या? साथियों, मैं जानता हूं कि पुरुलिया के आप लोगों को किस तरह जल संकट का सामना करना पड़ता है। ये जल संकट हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई बहनों का जीवन और मुश्किल बना देता है। मोदी की कोशिश देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की है। माताओं बहनों, मुझे हर घर में नल से जल पहुंचाना है। पिछले 5 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को, 12 करोड़ से ज्यादा घरों को हमने नल कनेक्शन से जोड़ा है। लेकिन पुरुलिया जैसे इलाकों में टीएमसी सरकार इस अभियान को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, वहां डेली हर रोज अलग अलग गांवों में, अलग अलग इलाके में 30,000 घर, एक दिन में 30,000 घरों को नल का कनेक्शन दिया जाता है। इतना बड़ा काम हो रहा है। उसके सामने बंगाल में एक दिन में सिर्फ 5,000 घरों में काम होता है, क्योंकि टीएमसी वाले करने देना नहीं चाहते, उनके तोलाबाज करने नहीं देना चाहते। टीएमसी सरकार से यहां विकास की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती।